पिंडी बॉय ने एक मरतबा फिर वफाकी काबिना में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कौन तब्दील होगा और कौन टीम में रहेगा इसका फैसला इमरान खान ने करना है। वफाकी वजीर रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि वफाकी काबीना में पहले भी तब्दीलियां हुई और मुमकिन है कि मजीद तब्दीलियां हों। तहम उन्होंने दावा किया कि हफीज शेख और नदीम बाबर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की मर्जी है वो किस टीम के साथ खेलना चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा कि कौम को इमरान खान से बहुत तवक्कोआत हैं और माफियाज के खिलाफ वही कौम की आखिरी उम्मीद है। वजीर आजम इमरान खान को पता है कि लोगों ने उसे करप्शन के खिलाफ एहतसाब के लिए चुना है, इसलिए वो कभी भी NRO नहीं देंगे। वजीर रेलवे ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत को 5 साल तंग न करने की शर्त पर बैरून मुल्क गए हैं। शहबाज शरीफ की कमिटमेंट हल्की फुल्की मौसीकी है, सिर्फ फजल रहमान ओपोजिशन के मूड में नजर आ रहे हैं। अगस्त का महीना खास है, शोर शराबा होगा, लेकिन इमरान खान हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे लेकिन ओपोजिशन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने दावा किया कि एक दो हुकूमती अफराद जल्द नैब के रडार पर आ जाएंगे। सियासी हालात के मुताबिक उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को सियासी तौर पर जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। उस्मान गुजार तभी हटेंगे जब इमरान खान चाहेंगे।